हेलो गाइस, आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल बायोलॉजी वाला यूनिक पे। हम लोग यहाँ पे नीट 2021 के लिए एमसीक्यूज़ की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग लास्ट वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम उसमें उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 47। द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, जो मोटाइल बैक्टीरिया होते वो किसकी मदद से जो है मूवमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए फिम्ब्री, ऑप्शन बी फ्लैजला, ऑप्शन सी सीलिया, ऑप्शन डी पिलाई। तो जो फ्लैजला होता है वो हमेशा क्या करता है, मूवमेंट के काम आता है, चाहे यू बैक्टीरिया हो चाहे तो यूकेरियोट हो, सब में जो फ्लैजला है वो मूवमेंट के काम आता है। तो यहाँ पे 47 का आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं 48। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, किसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ट्रूनुक्सियल न्यूक्लियस जो है, जो भी क्या नाम मुनेरा के मेंबर हैं, प्रोकैरियोट हैं, उनमें सब में जो है ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसमें देखना हमें कौन मुनेरा का मेंबर है, कौन प्रोकैरियोट है। वुचेरिया, वुचेरिया क्या है, वुचेरिया एक यूकैरियोट है। बॉलवॉक्स एक एल्गी है, वो भी यूकैरियोट है। म्यूकर क्या है, म्यूकर एक फंजाई है। जो एना वेना है वो क्या है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है या साइनोबैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया में क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। तो 48 का आंसर जाएगा सी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट, हमें इसमें करेक्ट वाला मिलाना है। म्यूकर, म्यूकर एस्कोमाइसिटीज का मेंबर नहीं है। म्यूकर किसका मेंबर है, फाइकोमाइसिटीज का। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, अगैरिकस, अगैरिकस एक पैरासाइट फंगस नहीं है, अगैरिकस का एक सेप्रोफाइट है। फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा भी एसेप्टेड सीलियम, फाइटोप्थोरा जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर नहीं है। ऑप्शन डी देखते हैं, अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया क्या होता है, अल्टरनेरिया ड्यूट्रोमाइसिटीज का मेंबर भी है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। जितने भी ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर हैं उनमें सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 50। विच वन इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, हमको क्या करना है, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट छाटना है। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म उसमें हैप्लॉइड एंडोस्पर्म पाया जाता है, करेक्ट है। ऑप्शन डी ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन, तो जे भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। ऑप्शन सी देखते हैं, आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, जो आर्किगोनिया है ब्रायोफाइट, टेरिडो और जिम्नो तीनों पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी देखते हैं, म्यूकर हैज़ वाई फ्लैजलेट जूस फोर, म्यूकर में वाई फ्लैजलेट जूस फोर पाया जाता है। तो यहाँ पे फोर्थ जो डी का वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल रॉन्ग है, म्यूकर में कोई भी फ्लैजला नहीं पाया जाता। म्यूकर क्या होता है, नन मोटाइल होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग है। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 51। द इम्परफेक्ट फंजाई, यहाँ पे इम्परफेक्ट फंजाई लिख जाए तो वो हमेशा किससे रिलेटेड होता है, ड्यूट्रोमाइसिटीज से। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन म्यूनरल साइक्लिंग बिलोंग टू, तो इम्परफेक्ट फंजाई आ गया। तो इम्परफेक्ट हमेशा किससे रिलेटेड होगा, ड्यूट्रोमाइसिटीज से, क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो 51 का आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 52। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड और होस्ट टिश्यू आर, तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कुछ बैक्टीरिया को किसी भी जो रॉक्स या होस्ट टिश्यू से चिपकने में हेल्प करता है। मीसोसोम, होल्ड फास्ट, राइजॉइड्स या फिम्ब्री। तो आपका जो राइजॉइड्स हैं, जो आपका फिम्ब्री होता है, सॉरी जो फिम्ब्री होता है वो किसी दूसरे रॉक से चिपकने में हेल्प करता है। तो 52 का आंसर चला जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 53। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमको इसमें क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट छाटना है। द टर्म कॉन्टाजियम बाइवम फ्लोडम बास कॉइंड वाई, जो टर्म दिया था कॉन्टाजियम बाइवम फ्लोडम वो किसने दिया था, एंड्रोलो बेंजनकिन ने, सही है। मोदक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बींग्स आर कॉज बाई वायरस, तो TMB और एड्स दोनों क्या हैं, वायरस के द्वारा होती हैं, करेक्ट है। द वायरस वर डिस्कवर्ड बाई DJ वानोवास्की, तो जो वायरस हैं वो उनको DJ वानोवास्की ने
वायरस को तो डीजे वानवास्की ने डिस्कवर किया था, लेकिन वायरस को डीजे वानवास्की ने डिस्कवर नहीं किया। तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, सी यहाँ पे रॉन्ग दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं 54। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें जो सेल वॉल हैं वो आपस में पास पास ओवरलैपिंग करके आपस में फिट रहती हैं? तो यहाँ पर डायनोफ्लैजेलेट्स, लाइमोल्ड्स, सिग्लेनॉइड्स या क्राइसोफाइट्स। तो जो क्राइसोफाइट्स हैं उसमें क्या होता है, सेल वॉल आपस में फिट रहती हैं। तो यहाँ पे 54 का आंसर जाएगा सी वाला। 55 देखते हैं। पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमको क्या है इसमें रॉन्ग चाटना है। सम फंजाई आर एडिबल करेक्ट है। ऑप्शन बी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। तो यहाँ पर रॉन्ग दे रखा है। जो मोनेरा है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और जितने भी सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं वो भी यहाँ पर नहीं पाए जाते। तो 55 का आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 56। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। जो मोरेल्स और ट्रफल्स पॉइजनस मशरूम होते हैं, तो रॉन्ग दे रखा है। मोरेल्स और ट्रफल्स तो एडिबल होते हैं। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन क्या दे रखा है, रॉन्ग। तो जो हमको रॉन्ग ही छाटना था, तो यहाँ पे जो 56 है उसका आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट देखते हैं 57। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, किसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, माइकोप्लाज्मा, नॉस्टॉक, फिनोरिया, एस्परजिलस। तो माइकोप्लाज्मा है उसमें क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो 57 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं 58। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द। तो जो भी क्या नाम, जो प्रोकैरियोट हैं जो कि मेथेन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं मेथेनोजेंस। तो यहाँ पे 58 का आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट देखते हैं 59। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमको क्या करना है, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट को छाटना है। ऑप्शन ए देखते हैं। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया भी कहते हैं? नहीं, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रखा है, रॉन्ग दे रखा है। यू बैक्टीरिया को हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, और यहाँ पे फॉल्स की जगह ट्रू बैक्टीरिया होता तो ये ऑप्शन सही होता। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन क्या दे रखा है, रॉन्ग दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 60। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायराइड्स। हमें वायराइड्स से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है उसको रॉन्ग वाले को छाटना है। दे कॉज इन्फेक्टिशियस, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट। इनके जो आरएनए हैं वो हाई मॉलिकुलर वेट के होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे रॉन्ग है। जो इनके आरएनए होते हैं वो लो मॉलिकुलर वेट के होते हैं। तो 60 का आंसर हो जाएगा, दे लाइक ए प्रोटीन कोड। इनमें जो है प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी, दे आर स्मॉलर देन वायरस, जे वायरस से स्मॉल होते, ये भी यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा रॉन्ग। 61 देखते हैं। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई। जो मोस्ट फंजाई है उनकी सेल वॉल में क्या पाया जाता है? तो जितने भी ज़्यादातर फंजाई है उनके सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है, और जितने भी प्लांट हैं या एल्गी हैं उनकी में सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। तो फंजाई की सेल वॉल में क्या पाया जाएगा, काइटिन। तो 61 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 62। क्राइसोफाइट्स, यूक्लिनॉइड्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। जो क्राइसोफाइट, यूक्लिनॉइड्स और डायनोफ्लैजेलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स को कहाँ रखा गया, तो इन सबको कहाँ रखा गया, प्रोटिस्टा के जे सारे क्या हैं, क्लास दे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे 62 का आंसर जाएगा डी वाला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। यहाँ पे भी हमको फिर से रॉन्ग छाटना है। फंजाई के रिलेशन में हमें रॉन्ग छाटना है। दे आर यूकैरियोटिक, तो फंजाई यूकैरियोट होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी, ऑल फंजाई पजेस प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो 63 का आंसर कौन सा जाएगा, बी यहाँ पे रॉन्ग दे रखा है। यहाँ पे अगर काइटिन होता तो करेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे सेलुलोजिक दे रखी है। तो 63 का ऑप्शन बी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 64 देखते हैं। मेथनोजन बिलोंग्स टू, मेथनोजन किससे बिलोंग करते हैं, यू बैक्टीरिया, डायनोफ्लैजेलेट्स, लाइमोल्स या
आर्की बैक्टीरिया। तो मेथनोजन क्या होते हैं, जो गोबर में रहते हैं, जो क्या करते हैं, मेथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, तो वो आर्की बैक्टीरिया के ही एक मेम्बर है। तो 64 का आंसर जाएगा बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं 65, हमको क्या करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट छाटना है। द वाल्स ऑफ डायटमस आर इजली डिस्ट्रक्टिबल, तो क्या जो डायटमस की वाल होती हैं वो इजली डिस्ट्रक्टिबल नहीं होती होती? नहीं, क्योंकि इनकी वाल में सिलिका पाया जाता, तो इनकी जो वाल है वो आसानी से नहीं टूटती हैं। तो यहाँ पर पहला ये ऑप्शन क्या दे रखा है, रॉन्ग दे रखा है। तो 65 का ए वाला ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जी यहाँ पर रॉन्ग दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 66, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन। एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन मतलब होता है जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे कौन सा पाया जाता है? तो जो आर्की बैक्टीरिया है वो बहुत ही हार्श कंडीशन में रह सकता है, बहुत ज़्यादा साल्टी एरिया में रह सकता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर रह सकता है, लाइट के ऑप्शन में रह सकता है। तो यहाँ पे 66 का जो आंसर होगा वो होगा आर्की बैक्टीरिया, 66 का आंसर आ जाएगा डी वाला। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया सेल, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को चिपकने में हेल्प करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल या ग्लाइकोकैलिक्स? तो इन सभी स्ट्रक्चर में से जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो बैक्टीरिया को स्टिकी स्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो यहाँ पर 67 का आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट देखते हैं 68, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स, जो डीएनए जो बैक्टीरिया में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कब होता है? विद इन न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, या ऑप्शन बी प्रियर टू फ्यूजन, ऑप्शन सी जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन डी ड्यूरिंग गैस फेज। तो यहाँ पर जो डीएनए में बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन होता है वो प्रियर टू फ्यूजन, फ्यूजन से पहले ही होता है। तो यहाँ पर 68 का ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, यहाँ पर करेक्ट है प्रियर टू फ्यूजन। नेक्स्ट देखते हैं 69, वायराइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, जो वायराइड्स और वायरस में क्या डिफरेंस होता है वो हमें बताना है। डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन को, तो हमें बताना है वायराइड्स क्या होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं बिना प्रोटीन कोड के, नहीं। वायराइड्स में क्या होता है, वायराइड्स में जो होता है आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं विदाउट प्रोटीन कोड। तो यहाँ पे अगर आरएनए होता तो यहाँ पे 69 का आंसर होगा आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है हमारे पास, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा वायराइड्स का आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।